अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स ENG 502 लेसन 4 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज टॉपिक 20 डिस्प्लेसमेंट। एनिमल मैसेज इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द इमीडिएट टाइम एंड प्लेस। जो जानवरों के पैगामात होते हैं, मतलब जो लैंग्वेज एनिमल्स यूज़ करते हैं, वो मैसेज उस वक्त प्रोड्यूस होता है जो कि उसी वक्त और उसी जगह के लिए सिर्फ होता है, मतलब इमीडिएटली जल्दी के तौर पर वो मैसेज प्रोड्यूस होता है और सिर्फ उसी वक्त के लिए होता है। एनिमल कम्युनिकेशन सीम्स टू बी डिज़ाइंड एक्सक्लूसिवली फॉर दिस मोमेंट। जो एनिमल कम्युनिकेशन होती है वो ऐसा नज़र आता है कि वो सिर्फ उसी मोमेंट के लिए जो है डिज़ाइन की गई है, उसी मोमेंट के लिए वो वर्ड या वो सिचुएशन जो थी वो प्रोड्यूस की गई थी। एक्सक्लूसिवली होता है सिर्फ या महज, या हम इसे कती तौर पर, मतलब एक चीज़ को मखसूस करने के लिए वर्ड एक्सक्लूसिवली यूज़ किया जाता है। हेयर एंड नाउ, यहाँ और अब, नॉट फॉर रिमूव्ड इन टाइम एंड प्लेस, बल्कि किसी और वक्त या किसी और जगह के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन ह्यूमंस कैन रेफर टू पास्ट एंड फ्यूचर टाइम। लेकिन जो इंसान है वो अपनी जो लैंग्वेज या जो भी मैसेज होता है उसे पास्ट या फ्यूचर टाइम के साथ रेफर कर सकते हैं, उसे उस टाइम के साथ रिलेट कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो ह्यूमन लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने जो मैसेज है उसको पास्ट या फ्यूचर के साथ रेफर कर सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इट अलाउज लैंग्वेज यूजर्स टू टॉक अबाउट थिंग्स एंड इवेंट नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये अलाउ करती है ज़बान इस्तेमाल करने वालों को कि वो उन चीज़ों के बारे में या उन मकामात या उन जो इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं जो कि सिर्फ प्रेजेंट में मौजूद नहीं हैं, बल्कि वो फ्यूचर या पास्ट के मुतलक भी बात कर सकते हैं। बी कम्युनिकेशन इज अ स्मॉल एक्सेप्शन बिकॉज इट इज सीम्स टू हैव सम वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बीज कहा जाता है शहद की मक्खी को। तो यहाँ पर है कि जो बीज की कम्युनिकेशन है उसमें एक खास किस्म की जो है बहुत ही थोड़ी मकदार में एक्सेप्शन नज़र आई है। एक्सेप्शन हम कहते हैं अखराज या छूट या जरा तकरार, वैसे तो आता है इसके माने में ये, लेकिन यहाँ पर आएगा कि अलहदा करदा शय, मतलब कि जो बीज कम्युनिकेशन है इसमें बहुत ही कम ऐसी प्रॉपर्टीज नज़र आई हैं जिसके ज़रिए हम बीज कम्युनिकेशन को डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी में शुमार कर सकते हैं। बट इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेरी लिमिटेड टाइप। लेकिन जो बीज में डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड टाइप की है एंड लैक्स द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज फाउंड इन द ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन जो रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, जो ज़्यादा मकान नज़र आते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, वो हमें बीज की कम्युनिकेशन में नहीं नज़र आते, उसमें वो लैक्स नज़र आती है उस रेंज की। नो द स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि अब आपने याद क्या करना है। तो इसमें सिर्फ आपने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन याद करनी है, उसके बाद आपने ये याद करना है कि बीज कम्युनिकेशन क्या होती है, मतलब बीज कम्युनिकेशन में डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है, ये इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा आप ये दे सकते हैं कि जो आपके एमसीक्यूज है वो ये बन सकता है कि ह्यूमन जो है वो अपनी लैंग्वेज को रेफर कर सकता है या रिलेट कर सकता है किस टाइम के साथ, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, तो मतलब तीनों के साथ वो रिलेट कर सकता है। बट एनिमल जो मैसेज है वो सिर्फ इमीडिएटली प्रेजेंट तौर पर वो प्रोड्यूस्ड होता है, उसके अलावा वो किसी काम में नहीं आता है।